हाँ जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी देखिए, मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, दो दिन से बारिश हो रही है और बहुत इंतज़ार था बारिश का। तो लो जी, आज कुछ नया बनाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी मैं। बताइए क्या हुआ? पूरा भी एक साथ जाएंगे बेटा। तो भाई आप बनाएंगे, आप बनाऊंगी केक। बिस्कुट लाए हैं टाइगर वाले, बहुत दिन हो गए थे। तो जी सबसे पहले बिस्कुट के मैं टुकड़े कर लेती हूँ, बिल्कुल तोड़ दूँगी इनको बीच से, और फिर इनको मिक्सी में पीसना है। बिल्कुल फाइन बनाना है इनको, बिल्कुल पीसना है। तो जी वासु को लगी थी मम्मी केक बनाओ, बहुत दिन हो गए हैं, तो इसलिए भाई केक बनाने की तैयारी कर दी थी मैंने। तो खुशी को भी बहुत पसंद है मीठा खाना, वासु तो कभी कभार ही खाता है। तो अब मैं टाइगर उसको टुकड़े कर लेती हूँ और इसकी बिल्कुल सारी फाइन टुकड़े कर दूँगी। हाँ, बहुत बड़ा कूड़ा खंडा है ना, तो फाइन फेंकूंगी वासु तो भी। तो जी देखिए, बिस्कुट बिल्कुल मिक्स में पाउडर की तरह पीस दिया है, और जो गुठलियाँ हैं उनको मैं हाथ से तोड़ दूंगी, नहीं तो फिर केक बनाने में दिक्कत देता है। तो जिसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और उसको घोलते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने, गांठ ना बने आटे की। तो बिल्कुल इसको थोड़ा थोड़ा दूध करके ऐसे डालती रहूँगी और बिल्कुल गाढ़ा घोल बना दूँगी इसका। बिल्कुल पतले वाला घोल नहीं चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी, मीडियम सा स्मूदली सा इसका बैटर होना चाहिए। तो जी देखिए, इसको मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के ऐसे ही इसका घोल तैयार कर लूँगी। और मैंने इधर अपनी कढ़ाई रखी है फ्री हीट होने के लिए, मैं अवन का यूज़ नहीं करती हूँ। क्या वह कभी पिज्ज़ा बनाया तो हम यूज़ करते हैं अवन का, नहीं तो मैं सारा काम गैस पर ही करती हूँ। तो जी देखिए, ये मेरा घोल बिल्कुल बनने वाला है, आपको मैं दिखाऊंगी कैसा घोल चाहिए। और मैं ऐसे वाला बिल्कुल एक साथ गिरे। तो जी मैंने बिस्कुट का केक तो बहुत ही बार बनाया, लेकिन आज शेयर आज करूंगी आप सबके साथ। बिस्कुट कोई भी लो, और क्रीम वाले हो तो क्रीम निकाल के, वही जो बीच में क्रीम आती है वो निकालनी पड़ेगी, तब उसका बैटर रेडी होता है। तो जी इधर मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया इसके अंदर, और घी से इसको ग्रीस कर दूँगी, चिकना हो जाएगा ये। और इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी थोड़ा सा मैदा, ताकि इस डस्ट कर दूँ इसको थोड़ा सा, ताकि घी के भी, अगर डायरेक्ट सीधा बैटर घी के ऊपर डाल चिपक जाएगा, तो थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर दूँगी ना, तो इससे भाई बिल्कुल भी केक चिपकेगा नहीं। तो देखिए मैंने बिल्कुल ऐसा बना दिया, बिल्कुल केक बनने के लिए रेडी कर दिया मैंने इस बर्तन को। तो जी देखिए, अब इसके अंदर मैं एक भी फुल चम्मच नहीं लूँगी इनों की, आधी ही चम्मच लगा लो। और ये इसमें डाल के, और इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी थोड़ा सा दूध, और ये भाई पूरा फॉर्मेट हो जाएगा अच्छे से घुल के, बिल्कुल ये हल्का वाला बैटर रेडी हो जाएगा, ताकि हल्का बिल्कुल। और इसको थोड़ा सा मैं मिला लूँगी, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा दूध और डालूँगी, मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा दूध और डाल दूँगी। थोड़ा सा है टाइट आटा है, बैटर बना हुआ है ये। तो जी देखिए, ये बिल्कुल मेरा रेडी हो गया है, अब मेरा अवन फ्री हीट हो चुका है। और देखिए, अब इसके अंदर मैं सारा मसाला इसके अंदर डाल दूँगी, ये बैटर। बिल्कुल सारा डाल दूँगी, और थोड़ा सा अभी हाथ से भी पूछना पड़ेगा मेरे, क्योंकि ये उतरेगा नहीं, सारा चिपका हुआ है, अच्छे से आ नहीं रहा है इससे। तो जी देखिए, अब मेरा बैटर पूरा डल चुका है अच्छे से, और इसको मैं से टाइट थपक लूँगी थोड़ा सा, ताकि सारा बैटर एक जैसा हो जाए। तो अब इसको मैं रखूँगी कढ़ाई के अंदर, और नीचे मैंने लगा रखा है जो कुकर के अंदर आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड। ये मैंने, इस कुकर के अंदर स्टैंड आता है, इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया, और कढ़ाई के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसको भैया अब लग जाएंगे, कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे, इसको मैं बार बार चेक कर रही हूँ, आके देख रही हूँ, तो अभी नहीं हुआ रेडी।
तो अभी फिर इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए और रखूँगी। तो अभी भी नहीं हुआ है पूरा रेडी, तो अभी चम्मच लगा के देखती हूँ। थोड़ा सा तो लग रहा है मेरे को सब कुछ है, लेकिन अभी नहीं हुआ है। मैंने वापस ही इसको भाई छोड़ दिया क्योंकि हुआ ही नहीं अभी ये रेडी, तो इसको आप फिर ढक देती हूँ। कम से कम 15-20 मिनट लगती है इसको बेक होने में, और इतना अच्छा बन के आता है ना कि क्या बताऊँ। तो भी देखिए इसको फिर से मैंने ढक दिया है थोड़ी देर के लिए। तो जी अब मैं आ गई थी अंदर, खुशी और वासु अपना टीवी देख रहे थे, और चद्दर का तो इतना बुरा हाल बना देते हैं कि सारी निकाल देते हैं साइड से, और जाल में से पानी गिर गिर के बहुत बुरा हाल हो रहा है गैलरी का भी। बारिश रुकने का नाम नहीं। चलो बारिश की तो बहुत तगड़ी बात थी क्योंकि भाई इतनी बुरी गर्मी हो रखी थी तो बारिश तो होनी लाजमी थी। तो जी देखिए फिर मैं केक के पास आ गई हूँ। केक मेरा अभी भी नहीं हुआ है रेडी, अभी भी है थोड़ी सी कसर में बिल्कुल। अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए, अभी मेरा चिपका नहीं है तो मेरा केक बन गया। तो लेकिन फिर मैं अभी भी इसको 10 या 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही ढक के रख दूँगी ताकि पूरी गर्माहट से ये भाई मेरा रेडी हो जाए अच्छे से। तो जी देखिए अब मैं केक को बाहर निकाल दूँगी और मेरा केक बन के रेडी हो गया है अच्छे से। तो जी आपकी मर्ज़ी, इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख सकते हैं और नहीं तो इस साथ साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख दूँगी ताकि ठंडा हो जाए मेरा ये मोल्ड, केक भी ठंडा हो जाए थोड़ा सा, और फिर इसको मैं निकालूँगी वो आपके सामने। तो जी देखिए केक रेडी है मेरा। तो जी ये ठंडा हो गया है मेरा, थोड़ा सा है गर्म बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि बर्तन भाई गर्मी इतनी है तो जल्दी ठंडा नहीं होता, तो इसलिए। तो जी देखिए अब इसको मैंने साइड से चक्कू से ढीला कर लिया केक को, और अब मेरा केक बनकर रेडी हो गया है। और इसके ऊपर मैं अब लगा दूँगी क्या बोलते हैं चॉकलेट सिरप। ये मैं पहले रखती थी बोतल, मेरे पास नहीं है, अब ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने ऐसे ही भाई मंगवाया है। तो जी सिरप को मैं केक के ऊपर से डाल दूँगी और इसको चॉकलेट सिरप को सेट होने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। कम से कम आधा घंटा रखना पड़ेगा ये फ्रिज में। आपकी मर्ज़ी, आपके पास ये नहीं हो तो चॉकलेट भी ला सकते हैं डेयरी मिल्क वाली, उसको पिघला के गर्म पानी में गर्म पानी करके और उसको बर्तन के अंदर रख के और उस बर्तन को गर्म पानी के अंदर रख के पिघला के वो भी उसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ मंगा लिया था इसलिए। तो इसको अच्छे से कवर कर दूँगी मैं, और ये मेरा केक बनकर रेडी हो जाएगा। और बच्चों का मन भी भाई बहल जाएगा क्योंकि इनको केक खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए। मैं तो कुछ और बनाने के लिए बोल रही थी बच्चों को, लेकिन उनको बोला मम्मी हर चीज़ हरदम बनती रहती है लेकिन केक बहुत कम बनाते हो, तो इसलिए आज केक बनाओ। तो जी ये देखिए मैंने केक को कवर कर दिया, इससे भी कहीं कहीं डाली कहीं कहीं छोड़ दिया, यानी कि बच्चे खुश हो जाएंगे, बस मेरा मेन मकसद ये था। और इसको मैं चम्मच थोड़ा सा फैला दूँगी। और तो जिसको मैंने रख दिया है फ्रिज के अंदर कम से कम आधा घंटे के लिए। तो जी देखिए मेरा केक सेट हो गया है, और ये किस खुशी में बना रही हूँ मैं, बच्चों की खुशी के लिए ही बनाया मैंने ये केक, बच्चों को बहुत पसंद है खाना। तो जी देखिए केक मेरा बिल्कुल स्पंजी बना है बहुत ही अच्छे से, और वासु को इतनी जल्दी हो रखी, मम्मी अभी काट दो इसको क्योंकि मुझे खाना है। पता नहीं फ़ोन का कैमरा किधर किधर जा रहा है आपके, बार बार मैं हिला रही हूँ। तो देखिए अभी मैंने खुशी को फ़ोन दे दिया है, तो अब इसके मैं वही पीस कर दूँगी क्योंकि बहुत ज़ोर से इनको इंतज़ार हो रखा है वासु को और खुशी को। तो जी देखिए अभी मैं बोल रही, कोई काटता हो तो काट लो, नहीं तो मैं काटती हूँ फिर इसको, फिर सब ने मना कर दिया तो चलो मैं ही काट देती हूँ। भाई मेरे 3,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो उसकी खुशी लगा लो या बच्चों की खुशी लगा लो। तो जी मैंने अपना केक काट दिया है, और सबसे पहले मैं वही लगाऊंगी भगवान के भोग के लिए, और फिर बच्चों को सबको दे दूंगी। तो जी देखिए बिल्कुल स्पंजी केक बना मेरा। भाई दुकान वाले क्रीम व्रीम लगा देते हैं वही, तो वो ज़्यादा सजा देते हैं, लेकिन मेरे पास जितना सामान था मैंने उसी हिसाब से अपना केक बनाया है। तो जी मैंने सबका बटा कर दिया है और भोग लगा देंगे, तो फिर हम भी खाना स्टार्ट कर देंगे।